स्वागत है आप लोगों को हमारे YouTube चैनल एक्शन पाँच चार में आज हम मटर में फूल आने समय क्या क्या ध्यान देना चाहिए सब पानी लगाने के बारे में बात करेंगे जिस पर सही जानकारी से मटर में ज़्यादा पैदावारजनदार फलियाँ आप कैसे ले सकें यदि आपके फसल मटर की फसल में फूल आ रहा हो तो खेत में ये जरूर देखें खेत सूखा तो नहीं है सूखा है तो आप हल्का पानी का फौरा लगा सकते हैं फूल अवस्था में पानी लगाने से मटर में फल फूल के साथ साथ मटर के खेत में पड़े माइक्रोन्यूट्रंस पानी के साथ साथ पौधे में लगने लगता है किसान मित्रों फूल अवस्था में या फल आ रहा हो तो मटर में मुख्यतः दो बीमारियों से बचा के रखना चाहिए पहले नंबर पे कीट नियंत्रण है तब फूल फल बनते समय कीट का प्रयोग आ जाता है तब फंगस भी आ जाती है फल फूल अवस्था में सिस्टमेटिक दवाइयों का ही प्रयोग करना चाहिए किसान मित्रों यदि मटर में कीट का अटैक है तो आप बाज़ार से अच्छी कंपनी का इमामेक्टिन बैंजॉइड 100 ग्राम डेढ़ सौ लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर देना चाहिए और तो फंगस है तो आप एम पैतालीस या कार्बन डामकोजेब को तीन से चार ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डेढ़ लीटर पानी के साथ छिड़काव करना चाहिए मटर की फसल में जब फूल से फली बनने के लिए आपको ज़्यादा वजनदार फली लेने के लिए आपको उसी टॉनिक का प्रयोग करना चाहिए जिसमें साइटोकन तथा एमिनो एसिड पाया जाता हो जैसे सम्रा इसकी डोज की बात करें तो 300 से 400 सौ एम प्रति एकड़ फूल अवस्था में स्प्रे द्वारा छिड़काव करना चाहिए किसान साथियों यदि मटर कि जड़ों में सड़न गलन की समस्या आ रही हो तो इस अवस्था में आप एज प्लस टेबकोना जोल लगभग ढाई सौ से तीन सौ एम एल प्रति एकड़ के साथ छिड़काव करना चाहिए इससे उपयोगी तथा तो अच्छे रिजल्ट दिख जाते हैं वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद आपका दिन शुभ हो